कई लोग आने के मूड में थे लेकिन आ नहीं पा रहे हैं, क्या करें, मजबूरी है, कुछ समस्याएं हैं, क्या करें साहब, इसकी एक टांग टूटी रहती है, हर एक हफ्ते में टांग सीधी फिर टूट जाती है बेचारी। ये भी आने के परम इच्छुक हैं पर क्या करें, इनकी मजबूरी है, इनकी मजबूरी है ये। अंदर से रो रहे हैं बेचारे, बाहर से हंस रहे हैं अंदर से रो रहे हैं। चला यार तब क्या करना, अपनी अपनी समस्याएं हैं साहब, क्या करें। यहाँ हमारे प्रधान जी दही मास्टर, ये दही लेके आए हैं इसमें स्पेशली, और यहाँ आगे बता रहे हैं कि इनके 500 रुपए खो गए कल, पता नहीं ये इसलिए परेशान है बेचारे, क्या करें, अरे की अपनी अपनी समस्याएं साहब। स्लीकर आने लगे जी, 19 जून, नाइट कैंपिंग, टाइम हो रहा 7:15, ज़बरदस्त स्लीकर आ रहे हैं भाई। जैसे छोड़ के गए थे वैसे ही है, ये लकड़ियाँ उस दिन छोड़ के गए थे। पहुँच गए भैया लोकेशन पे अगेन, और लेट हो गया, बारिश हुई इससे पहले, इस चक्कर में लेट हो गया, नहीं तो आज सही टाइम पे प्लान था अपना। चौखंबा नज़र आ रहा आज, ये पीक, इधर रुद्रनाथ, इधर तुंगनाथ, और यह है 360 व्यू यहाँ से। सबसे पहले लकड़ी की ढूंढ में चलेंगे भैया, फ्लिकर आ रहे हैं जबरदस्त भाई, क्या बताएं, ना लग गया, एक मतलब नहीं, एक दो तीन, एक दो तीन, बोल दो फोड़ ना लगे। सात बज के 50 मिनट और जल गई भैया आग अब, और लकड़ी भी काफ़ी इकट्ठा कर ली, ज़्यादा तो कुछ नज़र आ नहीं रहा, भाई लोग इधर लगे हैं कटिंग पे, लकड़ी काटने पे, ऐसे चलता है नाइट कैंपिंग भाई। और दो भाई और आने वाले थे लेकिन उनको जाना था कल देहरादून, तो इस चक्कर में वो आ नहीं पाए, एक को भाई को ड्राइविंग करनी है, दूसरी सवारी थी, तो इस चक्कर में दिक्कत हो गई, वो आ नहीं पाए क्योंकि पूरी रात भर यहाँ रहते तो फिर ड्राइविंग में दिक्कत हो सकती थी भाई को। हाँ जी, ओ भाई जैसे ही किचन स्टार्ट हुआ वैसे ही बारिश आने लगी भैया, दोबारा से टिम 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 टिम, एक बॉन फायर वो है और चूल्हा ये है अपना, ये तो दिक्कत हो जाएगी अगर बारिश तेज हुई तो, चूल्हा भी बुझ जाएगा और वो भी बुझ जाएगा, चूल्हे का तो कर लेंगे जुगाड़ बचाने का, बट वो नहीं बच पाएगा बेचारा, बारिश बहुत डरा रही भाई लोगों को, लगे पड़े हैं तिरपाल ताड़ने में, बारिश बहुत डरा रही भाई लोग, देखो कितना तैयार हो गया माल, माल खाने वाला कोई है ही नहीं। और टाइम हो गया है 10:45, और टेंट लग गए हैं इधर इस साइड लगे हैं, कहीं नज़र तो आ नहीं रहे भैया अभी, और बारिश तो चली रही है यहाँ, देखो ये है लेकिन मज़ा आ रहा है, चली रही है धीरे धीरे, क्या करें, और हमारे प्रधान जी वहाँ, लेकिन मज़ा आ गया जो भी है वही तो आज के जैसा मतलब, और यहाँ बॉन फायर में ही चल रहा है पानी वाटर कूलर तब।
तीन बजे सोने के बाद ये महामानव देखो 9 बजे खाना खा रहा है। ये देखो सुबह का 9 बज रहा है और खाना खा रहा है भाई साहब। टेंट की पैकिंग हुई है देखो, और लोकेशन ज़बरदस्त, बादल चारों ओर बादल ही बादल है और ठंड इतनी हो रही है, बता क्या बताएं भाई। ओ भाई फ्लाई फ्लाई सब उड़ गई यार इधर, फ्लाई वहाँ चली गई, तिरपाल इधर टेंट वाले लगे पड़े हैं संभालने में, ये टेंट वाले बाबा मेरे गाना बजा दे ओए। अरे 3:30 बजे सोने के बाद भाई लोगों ने इतनी जल्दी उठा दिया यार, 9 तो बज रहे हैं पर सोने का मन कर रहा है, इच्छा कर रही है, बट इधर कह रहे हैं भाई साहब ये डरा रहे हैं बादल, बोल रहे हैं बारिश होने वाली। ये चौखंबा और इस चक्कर में इन्होंने सोने तो दिया नहीं भाई, ब्रेकफास्ट हो गया बिना मुँह हाथ धुले, चलते हैं मुझे घर को सने सने। बड़े जो लगा हाथ में बड़े जो लगे पताना, आज सुबह के बज रहे हैं 9 और ये देखो ये तफरी कर रहा है यहाँ, रात को भाई 3:30 बजे सोए और ये भाई साहब सोने नहीं दे रहे यार, अब ये करें चलना है घर, मेरे समझ में बात नहीं आ रही यार, ये आते ही हैं ऐसी जगह पे यार। ये है सुबह का दृश्य सामने यार, कभी उस टॉप में भी जाना है, देखेंगे पन्नीपारा प्रोग्राम, और ये है अलकनंदन और इधर है गोचर टाउन, ये व्यू आ रहा है इसका, और ये है 360, इधर है चौखंबा पीक, ये कहीं इधर। नौ बज के 45 मिनट और चल पड़े भैया घर को। ओ भाई और गर्मी भयंकर हो रही, और या तो जैकेट और टोपी डालनी पड़े ऐसे ही, देखो ये हालात हैं जी, चलते हैं। जय बोलना।